जयकारा शेरांवाली दा बोल सांचे दरबार की जय। मेरे YouTube चैनल डेली यात्रा व्लॉग पर आप सभी का एक बार फिर से नई ताज़ा वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं साथियों सोमनाथ शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आपका ही अपना YouTube चैनल डेली यात्रा व्लॉग्स। अगर साथियों आप पहली बार ही मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपका एक सर्वप्रथम फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आने वाले दिनों में अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर से यात्राओं से जुड़ी जानकारियां, मौसम से जुड़ी जानकारियां, तो आप लोगों से आग्रह है कि बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में भी साथियों आपको ताज़ा तरीन जानकारियाँ जो हैं इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहें। क्योंकि मैं हूँ सोमनाथ शर्मा, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का ऑथराइज्ड शो गाइड, ताकि आने वाले दिनों में हर वो जानकारी माता रानी के भक्तों को, जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों को घर बैठे एक डिजिटली तरीके से मिले। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां देना चाहूँगा, जैसे मौसम अगले हफ्ते तक कैसा रहेगा, स्नोफॉल का अपडेट भी आज इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा, और इसके साथ साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा का वर्तमान किस प्रकार से चल रही है और कितनी संख्या माँ के बार पहुंच रही है। ये जानकारियों से अगर आप रूबरू होंगे साथियों तो मुझे लगता है कि आपको आने से पहले यही जानकारियां बहुत ज़रूरी रहती हैं। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी जानकारियां साथियों। अभी बीते कल ही मौसम का एक अपडेट आया था, लेकिन उस अपडेट में लगभग जो है जो आज मॉर्निंग में अपडेट आया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ श्रीनगर की तरफ से, वो यही अपडेट है कि पार्शली क्लाउडली जो मौसम रहेगा बोथ जम्मू एंड कश्मीर में। अगर बात करें 9 से लेकर 10 तक तो जो बारिश के संकेत भी जम्मू के और कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जताया गया है, और स्नोफॉल का जो अपडेट है साथियों वो भी आज के इस जो मौसम का बुलेटिन है वो उसमें दिखाया गया है कि आने वाले दिनों में जैसे स्नोफॉल भी जम्मू और कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पर्वतों में 70 से 80% जो चांस हैं वो स्नोफॉल के हैं अगले हफ्ते की बात करूं। लेकिन अच्छी और राहत बात यह है कि इस हफ्ते मौसम बिल्कुल साफ़ सुहाना रहेगा। तो ये थी साथियों मौसम से जुड़ी जानकारियां, और आने वाले दिनों में भी मैं कोशिश करूंगा कि मौसम से जानकारियां आपको घर बैठे इस प्रकार से ही मिलती रहें। फ़िलहाल अगर आप आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, वैष्णो देवी आ रहे हैं, तो कोई आपको गर्म कपड़े लाने की फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारियां देता रहूंगा। अब साथियों सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है यात्रा को लेकर कि माता वैष्णो देवी के दरबार में कितनी यात्रा पहुंच रही है। फिलहाल आप तो नज़ारा देख रहे हैं त्रिकुटा की शिवालिक पहाड़ियों का, आज सुबह सुबह का सामने नज़ारा, ताराकोट मार्ग के साथ साथ चरुण पादगा और अर्धकुंवारी के मंदिर के दर्शन है। आप सब जानते हैं जो माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें इन रास्तों से होकर माँ के दरबार की ओर जाना पड़ता है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ साथियों तो लगभग जो है जो जानकारी ताज़ा जानकारी मिली है बीते कल टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से 20,000 के करीब करीब माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं ने, देश विदेश से आए हुए भक्तों ने यात्रा की, यानी दर्शन किए हैं माँ के दरबार की और हाजिरी लगाई है। 20,000 का ये आंकड़ा बीते कल का है। तो लगभग मैं ओवरऑल डिटेल आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि 20 से 25,000 तक प्रतिदिन यात्रा पहुँच रही है, लेकिन अब जो नवरात्रों का उत्सव आ रहा है तो यात्रा की संख्या जो है ऑटोमेटिकली जो है माँ के भक्तों की संख्या जो बढ़ोतरी की तरफ अग्रसर होगी। तो फिलहाल ये थी छोटी मोटी जानकारियां। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई अगर सवाल है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। जय माता।